उसको कहते हैं जीते। सो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू द अनदर क्रिएटिव वीडियो। और भाई यार, मुझे पता है वीडियो बहुत 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 टाइम बाद आ रही है, तो आई एम रियली सॉरी यार, क्योंकि मेरे कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी जिसके कारण कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन यार अब से आप लोग को वीडियो देखने को मिलेगी। सो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की एडिटिंग को जो है भाई देखते हैं एंड कैसे करनी है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड आप लोग को बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले यार, तुम लोगों को इस टाइप का एक वीडियो यहाँ पर जो है भाई आप लोग को शूट कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन से। तो मैं चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ किस तरीके का नॉर्मल वीडियो है। तो इस टाइप का एक नॉर्मल वीडियो यार आप लोग को यहाँ पर शूट कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन से। देन उसके बाद में तुम लोग को शेयर वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड इसको शेयर करके लेके चले जाना है भाई VN एप्लीकेशन के अंदर। तो VN एप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा वेट करोगे तो प्रिपेयरिंग के बाद में यार आप लोगों का वेट लेने के बाद में थोड़ा सा 5-10 सेकंड का आप लोग का VN एप्लीकेशन के ऊपर ओपन हो जाएगा, आपकी वीडियो एंड टाइमलाइन आ जाएगी। देन उसके बाद यार तुम लोग को सिंपल से क्या करना है यहाँ पर आएगा, प्रोसेस बताता हूँ, वीडियो को देखते रहिए एंड तक। तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर आने के बाद में आप लोग को एडिट नाउ पर क्लिक करना है एंड आपकी वीडियो कुछ इस टाइप से आ जाएगी। तो ये जो आपका एंडिंग पार्ट है इसको यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले डिलीट कर देना है। देन उसके बाद में प्लस वाला अकाउंट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये जो आपका स्काई वाला वीडियो है इसको यहाँ पर सिंपल से आप लोग को इस तरीके से ऐड कर लेना है। देन उसके बाद में इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके साइज को इस तरीके से बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद में तुम लोग को जस्ट यहाँ पर ये जो आपका ओरिजिनल वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर 9:16 सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद ये जो आपका वीडियो है इस टाइप का जो आपने शूट किया है उसको आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है एंड इधर साइड में आना है एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फॉरवर्ड, तो इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपकी वीडियो ऊपर चली जाएगी। देन आप लोग का जो पार्ट है इसको यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो उसके बाद में आप तुम लोग को सिंपल से इस टाइप का वीडियो देखने को मिल जाएगा। अब आप लोग को यहाँ पर आपका जो वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को चल जाना है फिल्टर्स में एंड यहाँ पर आप लोग को एडजस्टमेंट में जाना है एंड यहाँ पर जाने के बाद में तुम लोग को सबसे पहले सैचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो सैचुरेशन को यहाँ पर बढ़ा देनी है एंड यहाँ पर टेम्परेचर को आप लोग कुछ तरीके से लो कर देना है, ठीक है। एंड इसको लो कर देने के बाद में तुम लोग यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट को जो है वो बढ़ा देना है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, तो आप लोग यहाँ पर हाइलाइट्स वगैरह को देख सकते हो यार अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी चाहो, ठीक है। एंड शेडोज वगैरह को तो आप लोग को देखना नहीं है यार, फालतू है यार, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से गाइस आपका वीडियो आ जाएगा। और यहाँ पर गाइस आप लोग का सैचुरेशन है, सैचुरेशन को यहाँ पर हल्का सा इस तरीके से डल कर देंगे एंड इस तरीके से गाइस इसको रख देंगे। देन उसके बाद में यहाँ पर वाइब्रेंस को तुम लोग यार देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, जस्ट राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यार तुम लोग को यहाँ पर सिंपल से सबसे पहले यहाँ पर आप लोग का जो वीडियो है यहाँ पर आप लोग को उसमें क्रोमा की लगानी है, तो क्रोमा की का आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग को आपका कलर जो है वो चूज़ कर लेना है, ठीक है, स्काई कलर। एंड उसके बाद में इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह को, एंड इस तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ यार कैसा लग रहा है अभी, ठीक है। तो अभी मैं इसको गाइस यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, तो प्ले होने के बाद में वीडियो कुछ इस टाइप का लगेगा एंड यहाँ पर मुझे कुछ इसमें मतलब हल्का हल्का यहाँ पर इधर साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेरी वीडियो का पार्ट है, तो यहाँ पर क्रोमा की के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यहाँ से इसको मैं पहले अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो उसको यहाँ पर मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करने के बाद में वीडियो कुछ इस टाइप की हो जाएगी एंड यहाँ पर उसके बाद में इसको प्ले करके देखते हैं। तो गाइस जैसे ही वीडियो को प्ले करते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड कूल लग रही है भाई, ठीक है। तो उसके बाद में यार तुम लोगों को जस्ट क्या करना है, इसके अंदर स्लो फास्ट मोशन डालना है। तो वीडियो मैंने स्लो मोशन के अंदर शूट की थी, तो मैं यहाँ पर ये मेरा स्लो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको फास्ट करूँगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से कट लगाएंगे एंड जो आपका पार्ट है राइट वाला इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्पीड को आप लोग को बढ़ा देना है जिससे कि आपका फास्ट मोशन आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को जो स्पीड है उसको बढ़ा देता हूँ एंड आप लोग को यहाँ पर दोबारा से कट लगाना है कुछ इस तरीके से एंड जो आपका राइट वाला पार्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को दोबारा से इसकी स्पीड को नॉर्मल कर देना है। तो आई होप यार तुम लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्ले करके देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये फास्ट मोशन एंड देन ये स्लो मोशन एंड देन ये फास्ट मोशन फिर स्लो मोशन। तो इस तरीके से यार आप लोग को यहाँ पर इसको एडिट कर लेना है एंड काफ़ी ज़्यादा यार अच्छी लगती है, अमेजिंग लगती है, ठीक है। तो फटाफट यार मैं कर लेता हूँ इसको, तो जब तक मैं इसको ऐसे करता हूँ यार स्लो मोशन में, तो तब तक आप लोग को यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से यार मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ फटाफट एंड यहाँ से जो आपका राइट पार्ट है इसकी यहाँ पर इस तरीके से स्पीड को दोबारा से बढ़ा देंगे एंड इस तरीके से नॉर्मल में कर देंगे इससे आपका स्लो मोशन आ जाए। तो यहाँ पर मैं फटाफट गाइस कर ले रहा हूँ इसको, तो तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो यहाँ तक आ जाएगा एंड उसके बाद में इसको दूंगा मैं इतना फास्ट, ठीक है। तो इतना फास्ट मोशन को देने वाला हूँ, तो इस तरीके से तुम लोग यार इसको यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो उस इतना होने के बाद में यार तुम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से आप लोग को यहां से ये जो आपका फालतू का पार्ट है इसको डिलीट कर देना है एंड यहां पर आप लोगों को
इधर कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इसको डिलीट कर देना है। तो उसको डिलीट करने के बाद मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो वीडियो को प्ले करेंगे तो स्लो एंड यहाँ पर फास्ट एंड देन स्लो एंड देन फिर फास्ट एंड देन स्लो। तो गाइज तुम लोग यार देख सकते हो इस टाइप से हमारा वीडियो स्लो एंड फास्ट मोशन में आ चुका है। तो अभी यार तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोग चाहो तो यहाँ से इसमें वीडियो में जो है वो म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये वाला म्यूजिक ऐड कर दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए अभी मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें आप लोग सेक इफेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं। तो भाई जैसे कि मेरा यहाँ पर जो है स्लो मोशन वीडियो बन रहा है, तो मैं यहाँ तक इसमें सेक इफेक्ट डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आऊँगा एंड यहाँ पर स्प्लिट पर क्लिक करूँगा। दैन उसके बाद में ये जो आपका जहाँ पे भी आप डालना चाहते हो इफेक्ट्स, तो उसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप लोग को इधर इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है एंड आप लोग को ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ से तुम लोग इसमें यार इफेक्ट्स डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला इफेक्ट डाल देता हूँ एंड स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर ब्लिंक वाला इफेक्ट डाल देता हूँ। तो इस तरीके से तुम लोग इसमें इफेक्ट वगैरह सब कुछ मतलब ओवरऑल एडिटिंग कर सकते हो। देन उसके बाद में तुम लोग को सिंपल से कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है एंड एक्सपोर्ट करने के बाद में इसको लेके चले जाना है भाई आप लोग को प्रिक वाले एप्लीकेशन के अंदर। सेटिंग आप लोग कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप लोग को अच्छा लगे। तो जब तक वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट होती है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भाई जो भी मटेरियल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। बहुत समय बाद वीडियो आ रही है तो प्लीज़ 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 यार लाइक करके जरूर दिखाओ, क्योंकि अगर आप लोग अभी लाइक करोगे ना तो अभी मैं पूरा मोटिवेट होऊंगा एंड फुल मोटिवेट होकर भाई वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट यार लाइक करो। तो ठीक है यार गाइज एंड गाइज इस तरीके से आज अभी मेरी वीडियो यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट हो रही है एंड एक्सपोर्ट होने के बाद में मैं इसको फटाफट लेके चलता हूँ प्रिक वाले एप्लीकेशन के अंदर एंड वहाँ पर आप हम लोगों को डालने हैं भाई रेज इफेक्ट, जिससे कि यार हमारी वीडियो और भी खतरनाक लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल डाटा को ओपन कर लेना है एंड उसके बाद में प्रिक वाले पे जाना है एंड आप लोग को यहाँ पर प्रिक वाले में आने के बाद में सबसे पहले यार यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। भाई मेरे पास नेट की प्रॉब्लम है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, जिससे कि मेरा फ़ोन एक्सेस नहीं कर पा रहा इतनी जल्दी, वैसे बहुत जल्दी खुल जाता है अगर नेट प्रॉपर हो। दैन उसके बाद में यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड आप लोग को ये जो आपका वीडियो है मैंने इसके साउंड को म्यूट कर लिया है, ठीक है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो यार, जिससे कि आप लोग हमारी वीडियो देख पाओ सबसे पहले, ठीक है। तो उसके बाद में यार यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में यार यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं यार, ठीक है, हो जा भाई, ठीक है। तो इतना होने के बाद में यार यहाँ पर देख सकते हो यार हमारे पास कुछ इस टाइप की वीडियो आ जाएगी। तो अब यार आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट्स में जाना है एंड इफेक्ट्स में जाने के बाद में सर्च करना है स्टेलर, तो सॉरी स्टेलर सर्च करना है एंड आई स्टेलर, तो स्टेलर में सर्च करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर स्टेलर में जैसे सर्च करता हूँ तो गाइस वीडियो कुछ इस टाइप की लिखा है एंड तुम लोग देख सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड खतरनाक लग रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेलर्स में आऊँगा एंड उसके बाद तुम लोग यहाँ से इसके जो रेज है इनको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, इनकी इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो रेज बढ़ जाएगी आपकी वीडियो के अंदर एंड स्केल को तुम लोग यहाँ पर फुल कर देना, जिससे कि आपकी जो लेयर्स है वो सॉरी रेज है वो बड़ी बड़ी दिखे एंड उसके बाद फिल्टर में तुम लोग यहाँ पर डाल सकते हो भाई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से इस तरीके से करने के बाद में तो अभी मैं यहाँ पर राइट पर क्लिक करूँगा एंड उसके बाद में यहाँ से मैं इसकी ऑडियो को फुल कर लूँगा एंड इस वीडियो को कर लूँगा एक्सपोर्ट। तो इतना करने के बाद में यार हमारी ये जो वीडियो नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी वीडियो जो है एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी एंड आप एक्सपोर्ट होने के बाद में आप लोग की गैलरी में सेव हो जाएगी। सो गाइज यार आई होप यार आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ भाई कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलता हूँ गाइज अगली वीडियो में फिर मिलूंगा यार, तब तक के लिए टाटा।